ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 11.73 क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 11.73 और ये सेम सम आपको मई 22 में आया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 एंड पेज नंबर 11.73 सिमिलर टाइप सेम टाइप सम आपको पूछा हुआ है मई 22 में और वो भी मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है। आप दानिकी कॉस्टिंग के चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ग्लोबल लिमिटेड इज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ए बी सी एंड डी आर द जोनल सेल्स ऑफिसर्स फॉर द फोर जोन्स। द कंपनी फिक्सेस एनुअल सेल्स टारगेट फॉर देम इंडिविजुअली। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द सेल्स टारगेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बी सी डी 5,375, 4,00,000 एंड 4,25,00,000 रेस्पेक्टिवली। ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली अर्न 29,900, 23,500, 24,500 एंड 25,800 एज ए कमीशन एट 5% ऑन एक्चुअल सेल्स इफेक्टेड बाई देम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द रिलेवेंट वेरियंस एज कंपेयर्ड बाई ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट आर एज फॉलोज। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस, ए फॉर एडवर्स, एफ फॉर फेवरेबल, डी के सी फॉर दानिकी कॉस्टिंग, राइट। यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न इन ईच इन केस ऑफ ईच ऑफ द जोनल सेल्स ऑफिसर। आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, सेल्स टारगेट फिक्स्ड इट मींस बजटेड सेल्स, और दूसरा आपको बताना है एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो अपने सिस्टम के हिसाब से। इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर 1। सेम सम आया हुआ है आपके मई 22 एग्जाम में, राइट। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग बजटेड सेल्स एक्चुअल सेल्स इक्वल टू वेरियंस। क्या हमने सोचा था सेल्स, क्या सेल्स एक्चुअल में हुआ और जो डिफरेंस बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियंसेस। वही मैंने आपको सिखाया, आपको लिखना है फॉर्मूला लिखिए, नहीं लिखना है नो प्रॉब्लम, हम लोग का बजटेड सेल्स आ जाएगा करके ना। बजटेड सेल्स मीन्स योर क्या आपने सेल्स सोचा था, क्या आपका एक्चुअल सेल्स हुआ और क्या आपको वेरियंसेस आ गए। इट मींस ए बी सी एंड डी। अब इसके फ्रेंड्स देर आर फोर पार्ट्स। इट मींस आप जरा देखिए ए बी सी डी। अब इसके फोर पार्ट्स, पहला आपको बोल रहा है सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स प्राइस वेरियंस ए बी सी डी। ए बी सी डी सेल्स प्राइस वेरियंस 4,000 फेवरेबल, 6,000 एडवर्स, 5,000 एडवर्स और 2,000 एडवर्स।
and sales volume variance 6000 adverse, 26000 favorable, 15000 favorable and 8000 favorable, राइट right? तो इससे अपने को क्या आ जाएंगे वेरियंसेस, 6000 एडवर्स, 4000 फेवरेबल, इट मींस 2000 एडवर्स, 26 फेवरेबल, 6 एडवर्स, 20000 फेवरेबल, 15 फेवरेबल, 5600 एडवर्स, 15 फेवरेबल 5000 एडवर्स, ओके मिलके आपका क्या हो जाएगा, इज ए 10000 फेवरेबल, 8000 फेवरेबल, 2000 एडवर्स, इट मींस 6000 फेवरेबल, सही है सुन, क्या आपने को दे रखा है, इट मींस सेल्स वॉल्यूम वेरियंस एंड दिस इज योर सेल्स price variance, sales volume variance 6000, 26, 15 and 8, 4, 6, 5 and 2, 2, this. अब आप आ जाइए friends, actual sales आपको क्या बोल रहा है कि actual commission है which is 5% on actual sales, B point, A, B, C, D respectively earn a rupees 29,900, 23,500, 24,500, 25,800 as a commission at 5% on actual sales, it means this is your note number 1, note number 1 means commission which is 5%, और उससे आपको क्या मिल जाएगा friends, your actual sales A, B, C, D. अब कितना कमीशन दिया है, 29,900, 23,500, 24,500 and 25,800, which is 5%. It means 29,900 divided by 0.05, 598, 470, 490. 516. ये आपका क्या हो गया एक्चुअल सेल्स, व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स इज 5,98,000, एक्चुअल कमीशन डिवाइडेड बाय 5%, 23,500 डिवाइड बाय 5% 4,70,000, 24,500 डिवाइड बाय 5% 4,90,000 एंड 5,16,000, ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल सेल्स मेरा निकल के आ गया, कमीशन को डिवाइड किया 5% से एक्चुअल सेल्स, ओके एक्चुअल सेल्स अब आपका आ जाएगा 5,98,000 फॉर ए, 470 फॉर बी, 490 फॉर सी, 516 फॉर डी, 490 एंड 516, it means
5,10,000 क्योंकि 6,000 फेवरेबल है, तो हमने क्या सेल्स सोचा होगा, 5,10,000। 598 का एक्चुअल सेल्स हुआ, 2,000 एडवर्स है, क्या सेल्स सोचा होगा, 6,00,000। 20 का फेवरेबल है, इसका मतलब क्या सेल्स सोचा होगा, 4,50,000। 490 इट मीन्स 4,80,000। सही है सर, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? योर टोटल सेल्स आपको यहां तक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? ये आप ले लीजिए, इट मीन्स आपका टोटल क्या आ रहा है, 2,000 एडवर्स माइनस 20,000 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल, 6,000 फेवरेबल, इट मीन्स 34,000 फेवरेबल। 8 + 15 + 26 - 6 = 43,000 फेवरेबल, देन 4 - 6 - 5 - 2 = 9,000 एडवर्स, इन सब का टोटल 9,000, इन सब का टोटल 43, 43 and 9, 8, 34। सही है सर, यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या? परफेक्टली। तो एक आपका आंसर आ गया, दिस इज व्हाट योर बजटेड सेल्स। कैसे मैंने निकाला फ्रेंड, इसके लिए मैं बोलो नो फॉर्मूला, आपको प्योर लॉजिक से ही जाना है, समझ के ही चीज को खत्म करना है, एक एक पॉइंट को आपको लॉजिकली समझ के खत्म करना है। बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स आपको दे रखा है, बजटेड सेल्स के सेल्स वॉल्यूम है, सेल्स प्राइस है, वॉल्यूम और प्राइस से मिलके क्या हो जाएगा आपका टोटल वेरियंस, बराबर, एंड वेरियंस में आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली क्लियर हो रहा, प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। अब सेकंड अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट showing actual contribution, budgeted contribution, actual contribution equal to variance, budgeted contribution minus actual contribution equal to variance, A B C D, yes sir, this is your A B C D, उसके फिर पार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स A B C D, A B C D, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, बजटेड मार्जिन इज वन ऑफ द सेम। अब आप यहां पे आ जाइए, सेल्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, और ये आपका हो जाएगा सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस।
Okay. Now, sales margin volume. Sales margin volume जो निकल के आएगा उसको यू डिवाइड इन टू, एक आपका रहेगा सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस और सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस. इट मीन्स ए बी सी एंड डी. सेल्स मार्जिन मिक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स. सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में. सेल्स मार्जिन मिक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में इज सेल्स मार्जिन मिक्स इज 14,000 एडवर्स. 14,000 एडवर्स देन 8,000 फेवरेबल देन 17,000 फेवरेबल एंड देन 3,000 एडवर्स. 14,000 एडवर्स प्लस 3,000 एडवर्स 8,000 फेवरेबल. सेल्स मार्जिन मिक्स हो गया. सब वॉल्यूम अपने को नहीं पता. सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या होता है? सेम्स. मैंने आपको लेक्चर वन में बताया था बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. दैट्स वाई योर सेल्स का प्राइस वेरियंस मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या रहेगा? आपका सेम. तो योर सेल्स का प्राइस वेरियंस इज 4,000 फेवरेबल देन 6,000 एडवर्स देन 5,000 एडवर्स देन 2,000 एडवर्स. सही है सर. इट मीन्स योर 6,000 एडवर्स 5,000 एडवर्स 2,000 एडवर्स माइनस 4,000 इज 9,000 एडवर्स. कितनी बार मैंने आपको बोला है कि सेल्स का प्राइस वेरियंस और मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा आपको क्या रहेगा? सेम रहेगा बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. सही है सर. अब बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ मिलेगा? यू जस्ट रिफर योर नोट नंबर ए एंड दिस के लिए यू रिफर नोट नंबर बी. नोट नंबर ए एंड नोट नंबर बी. सही है सुनो फ्रेंड्स. ओके अब आप आ जाइए. दिस इज योर नोट नंबर ए. ओके नोट नंबर ए इज ए बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन. बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ए बी सी एंड डी. बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन बजटेड कॉस्ट इज गिवन. द
The standard cost of the sales target in respect of A, B, C, D is 5,375,4,425. अब आप आ जाइए बजटेड सेल्स आपने क्या निकाला था, बजटेड सेल्स आपने निकाला था इज 6,450,480 and 510, 6,450,480 and 510 आपका बजटेड सेल्स था 6,50,480, 5,10, 600 less 500 is 1,450 less 375 is 75 80,000 85,000 सही है सर। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, बजटेड बजटेड प्रॉफिट विल बी योर बजटेड कंट्रीब्यूशन, योर बजटेड कंट्रीब्यूशन विल बी 1,75,000, 80,000 and 85,000 बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट, बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट, इट मींस योर बजटेड कंट्रीब्यूशन विल बी 1,75,000, 80,000, 85,000 सही है सर। बजटेड कंट्रीब्यूशन 1,75,80 and 85 सही है सर। अब आप आ जाइए व्हाट इज योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ओके। अब आप आ जाइए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट मींस दिस इज योर नोट नंबर बी, नोट नंबर बी इज ए एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ए बी सी डी एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स तो अपन ने निकाला था फ्रेंड्स, व्हाट वाज द एक्चुअल सेल्स, देखो अपन ने निकाला था एक्चुअल सेल्स इज 598,470,490 and 516 एक्चुअल सेल्स निकाला था, लिख लो यहां पे एक्चुअल सेल्स इज 598,470,490 and 516 ये आपका क्या एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स हम लोगों ने निकाला था, दिस वॉज योर नोट नंबर वन में निकाला था, नोट नंबर वन में निकाला था ना एक्चुअल सेल्स, व्हाट वॉज द एक्चुअल सेल्स 598,470,490 and 516 एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स आपको क्या दे रखा है 598,470,490
490 एंड 516। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, अब इसके लिए आपको निकालना है कि बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स। अब इसमें मेरा मेन एक कंसेप्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कंसेप्ट है, आप जरा ध्यान रखिए कि जैसे सब कुछ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट, यू टेक द एग्जांपल कि भाई आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर है, यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर। आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, बोलो आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर। मैंने आपको बोला कि आपको एक पेन है, ये पेन है, ये पेन आपको 100 रुपीज में सेल करना है, इसका कॉस्ट है से 80, तो आपको मेरे को प्रॉफिट कमा के देना है सपोज से 20 रुपीज। ध्यान से सुनना जरा एग्जाम्पल को, 100 रुपीज में एक पेन आपको सेल करना है, उसका कॉस्ट है 80 रुपीज। 100 रुपीज में एक पेन आपको सेल करना है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, आपका कॉस्ट 80 रुपीज है, आपको प्रॉफिट कमा के देना है 20 रुपीज। 100 रुपीज सेलिंग प्राइस में एक पेन सेल करना है, उसका कॉस्ट 80 रुपीज है, आपको मुझे प्रॉफिट कमा के देना है, आपको मुझे प्रॉफिट कमा के देना है 20 रुपीज। आपने क्या किया, दो पेन सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 120। अब मैं देख रहा हूं कि यार इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा, कैन आई से 80 रुपीज इज द कॉस्ट व्हेन द सेल इज 100, देन हाउ मच इज द कॉस्ट ऑन 240। कैन आई से दिस, सोचिए जरा, बताइए कमेंट बॉक्स में करके ना। 80 रुपीज इज द कॉस्ट, 80 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ 100 रुपीज, 80 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ 100 रुपीज, तो 240 की सेल के लिए क्या कॉस्ट रहेगा। आंसर इज, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि दिस 240 इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस एंड विच इज 40 फेवरेबल। आपका ये जो सेल होना चाहिए था वो कितने में होना चाहिए था, वो 200 में होना चाहिए था। आपका जो सेल है वो कितने में होना चाहिए था, आपका जो सेल है वो कितने में होना चाहिए, आपका जो सेल है वो 200 में होना चाहिए। इसका मतलब आपका कॉस्ट किस पे लगेगा, इट मीन दिस इज योर नॉर्मल सेल्स वैल्यू ऑफ 200। कॉस्ट निकालना है, इसका मतलब 100 की सेल्स पे 80 कॉस्ट, तो 200 पे कितना आएगा कॉस्ट, 160, ओके, और प्रॉफिट कमा के देगा 240 माइनस 160 इज 80 रुपीज। ये जरा आप सोच लीजिए आराम से, एंड देन वी विल डिस्कस करके ना फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको कॉस्ट निकलेगा वो आपकी नॉर्मल सेल्स वैल्यू पर निकलेगा। बच्चे लोग यहीं पे मिस्टेक कर देंगे करके ना, जो सेल्स निकलेगा वो आपका किस पे निकलेगा फ्रेंड्स, बोलो, आपका नॉर्मल सेल्स वैल्यू पर आपको निकलेगा, किस पे निकलेगा बोलो, नॉर्मल सेल्स वैल्यू पर आपको निकलेगा। यहीं पे मिस्टेक बच्चे करेंगे, या तो इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है, बोलेगा यार ये वेरियंस एज्यूमिंग टू बी जीरो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एज्यूम टू बी जीरो कैसे होगा करके। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेल्स है, दिस इंक्लूड्स 40 फेवरेबल, इसका मतलब जो कॉस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा, ओनली 200 पे। कॉस्ट कितने पे निकलेगा, ओनली 200 पे करके। 200 पे कैसे निकालेंगे ये, और आप प्रॉफिट आएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये वाले ले लेंगे, मिस्टेक करेंगे। आप जरा समझिए बात को कि व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, इट मींस दिस इज ए, व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स ऑफ ए इज 598। दिस इंक्लूड्स सेल्स प्राइस वेरियंस विच इज 4000 फेवरेबल। इट मीन्स नॉर्मल सेल्स आपका जो है, नॉर्मल वैल्यू
of this sales will be 594. इट मीन्स आपका बजटेड कॉस्ट था, आपका बजटेड कॉस्ट था, आपको दे रखा है बजटेड कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ 5 लाख और आपकी बजटेड सेल्स थी ₹6 लाख. इट मीन्स 6 लाख के लिए कॉस्ट 5 लाख है, 6 लाख के लिए कॉस्ट 5 लाख है. 500 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 594, 4,95,000. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके थ्रू मेरा ओपन चैलेंज है फ्रेंड, जब तक अगर आप कंसेप्चुअल एक एक चीज को नहीं समझोगे आपको आंसर नहीं आएगा. 495 आपका जो कॉस्ट आएगा दैट इज ए 495 और आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 598 - 495 = 1,03,000. क्या प्रॉफिट आ जाएगा आपका? 1,03,000. सही है सर. सिमिलरली यू टेक इन केस ऑफ बी, बी what is your actual sales, what is your actual sales, your actual sales is 4,70,000. This include sales price variance, sales price variance is 6,000 adverse. It means what is the normal value of this sales, normal value of this sales will be 476. आपको जो cost लगेगा, ये sale कितने में होना चाहिए था, ये sale कितने में होना चाहिए था, ये sale होना चाहिए था 476 में, ये sale हुआ कितने में, ये sale हुआ है 470 में, तो cost तो 476 पे लगेगा ना friends. Okay, it means 3,75,000 आपको cost दे रखा था जब आपका budgeted sales था rupees 4,50,000. निकाला था ना बनने, देखो बजटेड सेल्स 450 480 450. इट मीन्स 476 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 450 396,667 396,667 माइनस आपका प्रॉफिट आएगा 73,330. इज दिस क्लियर ऑन? आपका जो सेल हुआ है 470 में हुआ है जबकि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना था 470. ये सेल कितने में होना चाहिए था? 6,000 अगर आपको एडवर्स मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेल्स वैल्यू कम मिला है, तो कॉस्ट तो उतने पे ही लगेगी ना नॉर्मल पे. ये बच्चे लोग नहीं समझने को तैयार है, ये वाला पॉइंट समझने को तैयार नहीं है. गो टू सी सी एक्चुअल सेल्स. एक्चुअल सेल्स इज 4,90,000. Actual sales of C is 4,90,000. This include sales price variance. This includes sales price variance is 5,000 adverse. It means normal sales value will be 490 + 5 = 495. क्योंकि मतलब ये जो सेल है वो कितने में होना चाहिए था, ये सेल होना चाहिए था 495 में, ये सेल कितने में हो रहा है 490 में. सही है सुनो, आगे आ जाइए. 4 लाख बजटेड कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ
480. 400, 480 into 495, 412 500. माइनस 490 आपका प्रॉफिट आ जाएगा 77 500. देन 516 आपका एक्चुअल सेल्स डी का ये बहुत ही कंसेप्चुअल सम है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा लॉजिक आपका क्लियर होगा तो ही जाके आप समझ पाएंगे डी. एक्चुअल सेल्स इज 516 ऑफ डी. दिस इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस 2000 एडवर्स. इट मीन्स व्हाट इज द नॉर्मल सेल्स आपका आ जाएगा इज 518. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 425 इज द कॉस्ट व्हेन द सेल इज 510,000 बजटेड सेल्स. दिस इज योर ओके. सो 425 डिवाइडेड बाय 510 इनटू 518 is 431,667. This is your normal sales. Okay. So, budgeted cost for normal sales. This is your, यहाँ पे आप लिख लीजिए, budgeted cost for normal sales is 431,667. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, वही अपने से पूछ रहा है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अर्न इन ईच केस. दिस इज योर एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. लेकिन अपने को क्योंकि वेरिएंसेस दे रखे हैं तो अपन सब वेरीफाई भी कर देते हैं. ओके, सो योर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,03,000. एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 1,03,000. एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,667 adverse, 80,000 less 77,500 is 2,500 adverse, 85 minus 84,333 is 667 adverse. Okay. मिलके फाइनल आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1,667 एडवर्स, 2,500 एडवर्स, 667 एडवर्स माइनस 3,000 फेवरेबल इज 1,834 एडवर्स. थ्री थाउजेंड फेवरेबल, 4,000 फेवरेबल, इट मीन्स 1,000 आपका एडवर्स आ जाएगा. तभी तो 1,000 एडवर्स, 4,000 ये 1,000 एडवर्स
ये 4000 फेवरेबल, तभी तो 3 फेवरेबल आएगा, सही है सुनो, 6000 लेस 1667, 6000 लेस 1667 इज 4333 फेवरेबल, तभी तो टैली होगा ना, 2500 फेवरेबल, 2000 लेस 667 इज 1333 फेवरेबल, इट मीन्स फाइनल आ जाएगा आपका 4333 प्लस 2500 प्लस 1333 लेस 1000 इज 7166 फेवरेबल, प्लस माइनस 9000 इज 1834 अपना टैली हो गया। ओके, ये आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली एग्जाम में आपसे ये पूछा है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। पर लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज आप एटलीस्ट राधे राधे लिखिए, कुछ तो मोटिवेशनल लिखिए करके ना, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स, राइट? अब आप आ जाइए, 8000 फेवरेबल है और ये है 7166 फेवरेबल है, इट मीन्स 8000 7166 is 834 एडवर्स, सो 834 यस। सही है सर, परफेक्टली क्लियर। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इज ए सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान, और उसके बाद जो आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे तो सारे क्वेश्चंस मैंने डीकेसी फॉर्मेट में सॉल्व किए हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने अपने फॉर्मेट में दिए, लेकिन अगर मुझे कहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन कराने लायक है या आपको ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको करा दूंगा करके, क्योंकि अपने को ड्यूरेशन छोटी रखनी है और कवरेज मैक्सिमम करना है और थोड़ा प्रैक्टिस आपसे करवाना है, ठीक है? तो बेस आपका यहां हो गया, मॉड्यूल को अब आप करिए, मेरे फॉर्मेट में मॉड्यूल आपको अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।